अरे बात सुन। खसनवी। आप तो आप यहाँ रोग लगाए बैठे से मुलाकातें करती फिर रही आपकी इतना सभी ख्याल नहीं है उसे क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से वापस आ जाओ मेरी जिंदगी इंतजार कर सकते हो तो ठीक है अजनबी से तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी तुमने मेरे करते मेरी बात पहले कि वो आपको कोर्ट में रुसवा करे उसे, उसे डिवोर्स चलता कीजिए शामे की अगली एपिसोड में दुआ जब गसनबी को कॉल करती है और कहती है गजनवी से कि मेरा यकीन करे मैं आपके साथ मुखलिस हूँ मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती और अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो एक साजिश है आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते लेकिन गसनबी दुआ को कोई जवाब नहीं देता दुआ कहती है कि मैंने आपके लिए खाना ज़रूर बनाया था लेकिन फिर मैं किचन से बाहर आ गई थी और बाद में कश्माला अंदर गई थी तो मैं नहीं जानती कि कैसे उसने जहर डाल दिया खाने में यह सुनकर गजनबी को भी याद आता है कि कश्माला किचन से वापस होकर आई थी और गजनबी की तबीयत खराब होने पर दुआ को कहने लग गई थी कि तुमने खाने में जहर मिलाया है आखिर कश्माला को इतनी जल्दी कैसे पता चला कि खाने में जहर था इसलिए गजनबी जाफर से कहता है कि जाफर तुम पता लगवाओ कि इस दिन क्या हुआ था दूसरी तरफ कश्माला जिसे डर होता है कि अब कहीं दुआ खाने वाला सच सामने ना ले आए इसलिए वो सरफराज को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी दुआ जब हॉस्पिटल जाएगी तो वहीं पर तुम्हें उसके पीछे जाना होगा और उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो और उससे अपनाना चाहते हो इसीलिए सरफराज दुआ के पीछे हॉस्पिटल जाता है और जैसे ही गसनवी को देखता है तो दुआ का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि दुआ तुम मेरा यकीन करो मैं गजनवी से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकता अब तुम्हें गजनवी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसने तो तुम्हारी एक बात तक नहीं सुनी और वो कश्मला के साथ ही रहना चाहता है अब गजनवी जब दुआर सरफराज को इकट्ठे देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दुआ से कहता है कि अभी तक तो मुझे लगता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे साथ ही रहना चाहती हो लेकिन अब मुझे यक़ीन हो गया है कि तुम अभी तक सरफराज को भूली नहीं हो और उसी के साथ रहना चाहती हो माँ को यह बोलकर कर गजनवी भी वहाँ से चला जाता है ये देख कर फराज तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब जल्द ही गजनवी भी दुआ को छोड़ देगा तो दुआ सोचती है कि मुझे सरफराज को अपने इतमान में लेना होगा फिर ही कश्माला का सच सामने आएगा और मैं को कश्मालक का असल चेहरा दिखाऊंगी इसीलिए दुआ सरफराज से कहती है कि अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो फिर तुम्हें इंतज़ार करना होगा मैं जल्द ही गजनवी से तलाक़ लेकर तुमसे शादी कर, तुम कर लूँगी ये सुनकर सरफराज तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और हैरान भी कि आखिर इतनी जल्दी दुआ मान कैसे गई और दुआ से पूछता है कि दुआ तुम सच कह रही हो तुम वाकई गजनवी को छोड़ दोगी यह सुनकर दुआ कहती है सरफराज से कि गजनवी अब मुझ पर यकीन नहीं करती और ना ही मेरे साथ रहना चाहते हैं इसलिए अच्छा अच्छा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तुम मुझे तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर लेनी चाहिए दुआ की बातें सुनकर सरफराज बहुत खुश होता है और कश्माला से कहता है कि हमारा प्लान कामयाब हो चुका है अब बहुत जल्द दुआ गजनवी से ले लेगी लेकिन अब तुमने जो मुझसे वादा किया है पैसों का मुझे वो रकम चाहिए यह सुनकर कश्माला कहती है कि ठीक है मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी रकम दे दूँगी लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि दुआ गजनवी की ज़िंदगी से चले जाने के बाद दोबारा कभी गजनवी की ज़िंदगी में वापस नहीं